उधर ट्रैकिंग का ये लास्ट पॉइंट जो हमने सक्सेसफुली कर दिया पार। शादी तो पड़ोली करनी सरला के तो घूमे कुमारी हो घूमे कुमारी बोलो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं मंडा घाटी में। ये वो प्लेस है जहां से चूड़धार के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मींस इस प्लेस पे गाड़ियां खड़ी होती है, यहां से आगे गाड़ियां नहीं जाती है। तो यहां से आगे हमारी अब ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। चूड़ेश्वर महाराज की जय जय हो। हमने शिमला से स्टार्ट की थी हमारी जर्नी आज की 7 बजे। हाँ 7 बजे स्टार्ट कर दी थी और हम जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक पहुँचे हैं पूरे 4 बजे, मतलब 3:30, क्योंकि गाड़ी पार्क करने में भी काफ़ी टाइम लग गया है। अप्रॉक्स आधा घंटा तो लग गया क्योंकि उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए, तो बहुत ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ गाड़ी पार्क करनी है। यहाँ से अप्रॉक्स 6-7-8 इतना सा किलोमीटर है, एग्जैक्ट तो पता नहीं 7 का। देखते हैं हम कितने टाइम पे कवर करते हैं इस एरिया को। यहाँ से 100 किलोमीटर है। सौ किलोमीटर? अच्छा शिमला। हाँ शिमला है 100 किलोमीटर। और जिस रास्ते से हम आए हैं ना सुबह वो कितना किलोमीटर है? जिस रास्ते से आप दूर से आए? हाँ वो तो 150 था ना, थोड़ा था हूँ थोड़ा ज्यादा था। और जो चूड़धार ट्रैकिंग है ये अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है ना, अक्टूबर तक रहती है। उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है और बीच में मानसून ब्रेक थोड़ा सा बरसात का है कि बरसात में भी थोड़ी मुश्किल होती है ना जाने के लिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ कुलिस्ट होगा यहाँ का। शिकारी माता गए? अभी आपको सिक्के मिलेंगे ऊपर पेड़ों में लगाए सिक्के, मन्नत होती है जिसकी। वैसे तो रास्ता बहुत ज्यादा खराब है लेकिन हमें बहुत ज्यादा पहले से सोच के रखा था, ये शायद 1 साल पहले सोच लिया था कि चूड़धार आना है। तो रास्ता खराब होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी फील हो रही है। फिर उसके बाद आश्रम, फिर आश्रम गाड़ी यहाँ तो था ही, इन्होंने फोन किया चलना है फिर शाम का बना ही सॉरी था, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बोल रही हूँ जब कोई चीज होनी होती है एक मिनट में मंदिर वगैरह ऐसे जब जाना है पता ही नहीं था। हर हर शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव। जोर से एनर्जी सेव कर रही है, ये सारे एनर्जी सेविंग मोड पे गए हुए हैं। भोलेनाथ का बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर शंभु, हर हर शंभु। तो सीधा सीधा ही है लेकिन बीच में ना एक दो पॉइंट बोलते हैं ऐसे आते हैं जहाँ पे सीधी थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। तो इस टाइम पे हम उसी जगह पे हैं जहाँ से बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। ओके अक्की बोल रहा है 40 डिग्री बोलते हैं उसको, बिल्कुल सीधी नहीं बोलते हैं। क्या बोल रहा है? काले कपड़ों वाला मेरा बेटा है और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है प्रियंका। हेलो बेबी, कैसे हो आप? कैसे हो जी? जी तो इनको यहाँ आपका घर है? हाँ। कहाँ? खा लेते हो?
से पानी उठाते पागल। फ्रेंड्स अभी हम नीचे से अप्रोक्स 3 किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर ऊपर जंगल में भी ना एक शॉप है छोटी सी जो अभी मैंने दिखाई। तो अगर आपको छोटी मोटी चीजें लेनी हो खाने पीने के लिए तो यहाँ पे भी मिल सकती है। मीन्स आपको ये नहीं है कि नीचे सड़क से ही सब कुछ उठा के आप आओ, पानी चिप्स कुछ भी अगर ऐसी चीजें चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि बीच में हम अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो गुम हो जाएंगे या कहीं खो जाएंगे, क्योंकि ना हम पीछे से भी आ रहे हैं और आगे से भी आ रहे हैं। जैसे हम ना 9 लोग आए थे टोटल, लेकिन इस टाइम क्या है हम सिर्फ 3 हैं इस टाइम जो साथ में हैं, बाकी के सब तो कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, अब पता नहीं कौन कहाँ है। अब हमें यहाँ पे अपने आप लोग 2 बंदे तो मिल गए हैं, 2 गुम है बस अब इस टाइम लग रहा है। वो 2 पता नहीं अब ठीक लग रहा है, उनमें से एक है ना जो छोटे वाला उसको एक्चुअली अस्थमा भी है, तो हमें ऐसे ही डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और वो तो सबसे आगे हैं। 2 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, 2 बंदे यहाँ बैठे हैं, और थोड़ी थोड़ी बारिश करती है, बतरू बतरू और 2 अभी थोड़े पीछे हैं, वो आ रहे हैं नीचे से। आगे चले गए, बढ़िया हुआ। क्या हुआ? बढ़िया बढ़िया होगा, लाड़ी रहेगी मेरे पीछे, बढ़िया जाएगी ना। खुशी तो चल गई, आप कह रहे हो देख कर भैया ही मतलब बुढ़िया रहेगी पीछे। जो अभी भैया बोल रहे थे ना कि बुढ़िया पीछे रह गई, वो इनकी बात हो रही थी। ये शख्स है वो, और अभी हम इनको बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे कि ऐसा कहा गया आपके लिए। नहीं नहीं दिखाना। हाँ पढ़ानी। कैसी रही फिर? बहुत अच्छी। बुढ़िया को बैठ सकते हुए प्राणी निकले, बाकी ठीक हुआ। उधर जाएंगे हम चट्टान पे, वो तो सभी जाएंगे वहाँ, उंगली निकल सभी जाएंगे वहाँ, उधर ही जाते हैं सारे। हम इतना चल के आ गए हैं ना, लेकिन अभी भी ऐसा है दिख, अब यहाँ से दिखना तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन इतना दूर है ना अभी भी, ऐसे लग रहा है पता नहीं कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। यहाँ के ना लोकल लोगों ने एक और बात बताई कि यहाँ पे जैसे जड़ी बूटियाँ होती है ना, पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी जो स्मेल होती है ना उससे भी नशा हो जाता है। मेनली ये बरसात में होता है, जब बरसात में ये पौधे वगैरह थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, इसलिए ऐसे इनको टच नहीं करना चाहिए अपने। एक और ढाबा हमें मिला, आई थिंक ये लास्ट ही ढाबा होगा अब तो, पता क्या नीचे से सामान उठा के लाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे चिप्स लेस चाय खाना सब कुछ है। तो वैसे अगर आप नीचे से आ रहे हो तो बाहर उठा के नीचे से मत लाओ, यहीं पे ही ले लो, और बीच में रास्ते में खाया और फिर ऊपर गए, यू नो हमें भार उठाने से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हम भी अब बहुत थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ थोड़ी सी चाय पानी कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं। पूछती हूँ कितना सा बचा है अब यहाँ से ऊपर? बस 2 किलोमीटर, ये लास्ट ही ढाबा होगा, इसके आगे तो होगा नहीं, है अभी और वहीं है लास्ट है ना। मीठा कम रखना भाजी, चीनी कम रखना भाजी, मीठा कम नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ 3 लोग और थे, हर्षित अक्की और विकी, वो आगे जा चुके हैं, लोगों को ना बिल्कुल शर्म नहीं है, माहर कुछ थोड़े थप्पड़ खा के आगे जा चुके हैं, कुछ थप्पड़ खाने वाले थे इसलिए आगे जा चुके हैं। यार इन लोगों को ना इतना कहा था हमने कि साथ में चलेंगे 9 के 9, लेकिन ये 5 किलोमीटर पूरा कर लिया है, और बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे अब 2 किलोमीटर रहता है,
और लेकिन यहाँ से आगे ना चढ़ाई है। प्रिया बोलती बंद होगी, बहुत ज्यादा और यहाँ देखो यहाँ का सनसेट बहुत ही विहंगम दृश्य। देखो आगे यहाँ की जो फॉरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, कुछ गिर के कुछ सूख के कुछ फायर से, और काफ़ी वन संपदा को क्षति पहुँची है। और ये लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ देखो पेड़ को भर भर के इन्होंने पत्थरों से भर भर के यहीं पे इन्होंने चूड़धार पर्वत बनाने का प्रयास किया है। तो मित्रों अब हम आपको हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, समुद्र तल से लगभग 6,500 मीटर के आसपास है ऐसा मुझे अनुमान है, उससे गलत भी हो सकता हूँ। और मुझे निखिल ने बताया था कि समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर है, जो कि हमारे ये लोगों ट्रैकर आगे चलते हुए इन्होंने इनको भी जलपान कराया गया फिक्स से, और इन्होंने चलो मैं बताता हूँ चाय तो नहीं पी, इन्होंने लीची जूस पिया है और दो तीन बिस्किट खाए हैं, बोबन नहीं और सिर्फ एक बिस्किट खाया है। हाँ एक ही बिस्किट खाया है। बहुत अच्छी थी आज के दिन कि जब हम रास्ते से चल रहे थे तो पेड़ों की छाया बहुत ज़्यादा थी, और पेड़ों की छाया ही नहीं जो मौसम था वो भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी था आज, जिस वजह से हम बहुत आराम से अपना सफ़र पूरा कर सके। और हम चूड़धार की चोटी पर बिल्कुल जहाँ चूड़ेश्वर महाराज का मंदिर है और वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। पता नहीं वो तो बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि वहाँ से 2 किलोमीटर था,
क्योंकि हम अभी तक बहुत चल के आ चुके हैं और अभी आगे भी जो मैंने व्यू दिखाया है वो आगे का है, वो भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर को बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। अभी मैंने जो पीछे आपको गुफा दिखाई वो बोलते हैं कि वो बाबा है ना जो, वो यहीं पे रहते हैं इस गुफा में और वो हमेशा यहीं रहते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, जब यहाँ पे बर्फ़ रहती है ना 4-5 महीने तक पूरा ढका रहता है ये पर्वत, तब भी वो यहीं रहते हैं इस गुफा में ही। अभी वो ध्यान लगा के बैठे हुए थे बाबा जी जब मैं अंदर उनकी गुफा में गई थी। हाँ मैंने देखा उनको, ध्यान में थे बैठे हुए। और जो ये बाबा जी थे ना गुफा में, ये हम बोलते हैं कि ये कभी ना कपड़े नहीं पहनते, चाहे बर्फ़ हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो जो भी मौसम हो, ये कभी ना कपड़े नहीं पहनते हैं, हमेशा ऐसे ही ध्यान में रहते हैं बैठे हुए। अभी हम चुड़ेश्वर महाराज के स्थान से ना थोड़ा पीछे ही है जहाँ पे यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है वहाँ पे है, मतलब यहाँ से आगे अगर पैदल चल के जाएंगे हम तो आधा घंटा अभी और लगेगा हमें, तो अभी क्योंकि 8 बजने वाले हैं इस जगह में ठहरने वाली जगह। हाँ ये ठहरने वाली जगह है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि 8 तो ऑलरेडी बजने ही वाले हैं, 10 मिनट रहे हैं, तो अभी तो ऊपर जाके फायदा नहीं है, अंधेरा बिल्कुल हो जाएगा, वापस भी आना है, तो हम सोच रहे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि जहाँ यहाँ ठहरने का है कि हम यहीं ठहर जाते हैं, तो अब सुबह ही हम दर्शन करने जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है, रात को तो अंधेरा हो गया था ना तो हम कुछ भी फिर व्लॉगिंग नहीं कर पाए। अभी मॉर्निंग में जो टेम्पल है वहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो शिव जी की मूर्ति में आती है ना, वहाँ की तरफ टेम्पल से ऊपर जाने के लिए कम से कम हमें अभी 20-25 मिनट और लगेंगे। और ये जो बड़ा पत्थर दिख रहा है ना जिसके ऊपर लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसकी भी एक स्टोरी है यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताई है। बोल रहे थे कि जो चुड़ेश्वर महाराज जी थे उनको इस पत्थर के ऊपर से उनके मामू मामी ने फेंकने की कोशिश की थी, तो वो फिर ये सांप का मींस फन जैसा निकला था उनको बचाने के लिए, ऐसी कुछ स्टोरी है इसकी। ऊपर रश हो जाएगा बोलते, ऊपर लाइन लग जाएगी। वो तो बहुत पीछे, वो तो बैठ गए बहुत नीचे। इधर बैठना हमने ऊपर, ऊपर सीधा भाई। और रात को यहाँ सोने के लिए पूरी फैसिलिटीज़ है, अगर आपको रात वहाँ हो जाती है और आपको नाइट वहाँ स्पेंड करनी है तो वहाँ पे पूरी बेडिंग और ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं और सोने के लिए अच्छे रूम्स वगैरह बने हुए पूरी सराय हैं, और यहाँ पे लंगर भी मिलता है दिन में 3 टाइम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चूड़धार में टेम्पल है जहाँ पे सराएं हैं जहाँ रात को ठहरते हैं वहीं पे ही टेम्पल है, लेकिन चूड़धार की जो चोटी लास्ट पॉइंट है जहाँ के लिए अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ शिव जी का शिव जी की मूर्ति है, वहाँ पर जाने के लिए ना आपको 2 रास्ते होंगे, एक टेम्पल के राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, तो हमने लेफ्ट वाला रास्ता लिया जहाँ पे ये बड़ा पत्थर आता है। इस रास्ते से अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, अगर मतलब आपको अवॉइड करनी है खड़ी चढ़ाई तो आप राइट साइड वाले रास्ते से जा सकते हो, उस वाले रास्ते में वो रास्ता ना थोड़ा सीधा सीधा है तो वहाँ से आप आराम से पहुँच जाओगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है रास्ता ये वाला। जी हो जाता है बेटा, जमाने से आता है ना। हाँ जी,
हम भी चल रहे जो बुढ़ापे। हाँ जी, आप तो अभी नया खून है जी, ऑक्सीजन कम है ना, ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। हाँ। सांस फूल रही है। हाँ, होती है। और तो दिक्कत भी बैठे हुई है। हाँ जी, हाँ जी, कम है। हाँ जी, सही है। ये पता क्या होता है, इससे मेहंदी लगती है। जीजू पता है आपको, पता ही होगा। हाँ जी लगती है, डालो इस पे पानी, अभी देख लो अब्बे की अभी लग जाएगी। पहुंच गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चूड़धार ट्रैकिंग का ये लास्ट पॉइंट जो हमने सक्सेसफुली कर दिया पार। उनको बहुत धूप लग रही है, चले गए टेम्पल से भी ऊपर आने के लिए। हमें 1 घंटा लगा हमें मंदिर से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ से नीचे की पहाड़ियाँ इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। हाईएस्ट पीक है ये। बस यहाँ से ऐसे लग रहा है उड़ना ही है हमने, है ना? उड़ान भरेंगे हम यहाँ से और शिमला में लैंडिंग। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएंगे? विक्की शर्मा। अच्छा जी, मैं लोकल ना। अच्छा जी, कितना टाइम हुआ आपको यहाँ शॉप में? ऐसे 8-10 साल हो गए जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पे कैंप साइट भी और ढाबा भी है मेरा यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा ये जो ढाबा है ये आपका ही है? पुलिस आइडिया विक्की ढाबा। अच्छा, विक्की ढाबा है आपका, ठीक है जी। और कुछ बताएंगे आप यहाँ चूड़धार के बारे में? यहाँ आप देख लो, सर्दी में यहाँ 30 फीट बर्फ गिर जाती है और क्या बोलते हैं, या फिर 6 महीने चलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। अच्छा जी, गिर जाएंगे 6 महीने। अभी श्रद्धालु चलेंगे यहाँ, जैसे सेकंड सैटरडे आज तो यहाँ 4-5 हजार का रश रहेगा। अच्छा, आगे पीछे 500-700 लोग चले रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी, आप मुझे ये जो चूड़ेश्वर महाराज जी थे इनके बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ जी पहले चूड़िया दानव रहता था, राक्षस होता था एक चूड़िया दानव। अच्छा जी, और वो यहाँ जो लोग होते थे उनको परेशान करता था। फिर उसके बाद जब उसने यहाँ तबाही मचा दी, फिर शेगुल महाराज जी छाया में होते थे, इनका जन्म स्थान छाया में है। जो यहाँ का नाम शेगुल है, ये से बना की जैसे शेर से शेगुल, ना शेगुल इसलिए बोलते, चोटी से युद्ध देखा था।
जो चोटी से युद्ध देखा था बोलते हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र दिखता पहले। अच्छा जी। तो जो चोटी है चोटी में चोटी से बर्बरीक नाम था उन्होंने युद्ध देखा था उनके नाम से पूजा जाता है इसलिए शिरगुल महाराज बोलते हैं यहाँ।